हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिवीजन असाइनमेंट नंबर 1 सब्जेक्ट साइंस एसे 2। क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट आर पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट वन दैट आर कैप्ट इन आवर हाउस आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो हम हमारे घरों में रखते हैं उन्हें हम पेट एनिमल्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट आर डोमेस्टिक एनिमल्स। गिव 2 एग्जांपल्स कि डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हैं। एनिमल्स दैट आर कैप्ट नियर आवर हाउसेस, ऐसे एनिमल्स जो हमारे घरों के आसपास होते हैं, और ऑन द फार्म्स या फिर कहाँ होते हैं, फार्म हाउस के अंदर, आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। एग्जांपल है काउस गॉड, जैसे कि गाय है, बकरियां है, ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पेस्ट। पेस्ट क्या है? आंसर है स्टूडेंट्स, एनिमल्स हू एंटर आवर हाउस अगेंस्ट आवर विशेस, ऐसे एनिमल्स जो हमारी इच्छा के विपरीत हमारे घरों में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, दे आर कॉल्ड पेस्ट, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो पेस्ट कहलाते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल, कैसे होते हैं ये जो पेस्ट होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, रैट्स चूहा है, लिजार्ड छिपकली, ये हमारी इच्छा से जाते हैं घर के अंदर, नहीं जाते ना, हमारी इच्छा के विपरीत हमें चलते हुए नजर आते हैं घरों के अंदर, तो ये क्या होते हैं, ये पेस्ट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द एनिमल्स दैट एंटर अवर हाउसेस अगेंस्ट अवर विशेस, कि ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे घरों में घुस जाते हैं, तो हमें उनके नाम बताने हैं। तो मॉस्क्यूटो, जैसे मच्छर होता है, वो कब आ जाता है हमें पता नहीं होता। रेड्स, जो चूहे होते हैं वो घरों के अंदर घुस जाते हैं। और लिजार्ड छिपकली, आपको चलती हुई दीवारों पे नजर आएगी। कॉकरोच, कॉकरोच भी क्या है, नाली होती है, गंदे पानी के सारे सारे अंदर आ जाते हैं। स्पाइडर्स, मकड़ी जाले बना बना के रहती है, वो आपकी इच्छा से आती है कभी, आपकी इच्छा से कभी नहीं आती, तो ये सब क्या होते हैं, ये पेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, पेस्ट जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारे घरों में एंटर कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट, की टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं। गिव सम एग्जांपल्स, आपको कुछ एग्जांपल्स के सहित आपको इसको बताना है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं। ऐसे प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कहां होते हैं, लैंड के ऊपर होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं, तो वो प्लांट्स क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जैसे कि कैक्टस हुआ, पाइन हुआ, देवदार हुआ, डेट हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम सम न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की कुछ नई वैरायटीज के नाम बताइए। तो आंसर क्या है, कीवी, ब्रोकली, केनू आर सम ऑफ द न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स। कीवी, ब्रोकली, केनू, ये क्या है, हमारे प्लांट्स की नई वैरायटीज है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज मीन बाय वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल से आप क्या समझते हो। आंसर है कि वाटर साइकिल इज ए कंटिन्यूस नेचुरल प्रोसेस बिटवीन वाटर बॉडीज एंड एटमोस्फियर, कि वाटर साइकिल एक नियमित रूप से चलने वाला एक प्रोसेस है जो किस किस के बीच में होता है, वाटर बॉडीज के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। वाटर बॉडीज जैसे सी है, रिवर है, पॉन्ड है, ये सब क्या होते हैं, ये वाटर बॉडीज होते हैं, और एटमॉस्फेयर यानी कि प्रकृति के द्वारा, या कि वाटर बॉडीज और एटमॉस्फेयर के बीच में एक नेचुरल प्रोसेस होता है, तो वो क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होता है। अमाउंट ऑफ वाटर एक कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी,
कि एक कंटेनर के अंदर जो पानी डाला जाता है उसकी जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।